राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा सोमवार को करौली पहुंची, जहां उन्होंने 5 दिन पूर्व नादोती भीलापाड़ा क्षेत्र में स्थित एक कुएं में युवती शव मिलने के मामले में टोडा भीम के एक गांव निवासी पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। अध्यक्ष ने पीड़िता परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया, साथ ही परिवार से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष करौली सर्किट हाउस पहुंची, जहां कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी ममता गुप्ता ने उनका स्वागत किया। बंद कमरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कलेक्टर और एसपी से मामले पर चर्चा कर घटनाक्रम और कार्रवाई की जानकारी ली। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि वे मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यहां पहुंची है। उन्होंने बताया कि पुलिस को जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा कोर्ट में चालान पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां जब शाम को FRI दर्ज कराने पहुंची तो कौन से पुलिस कर्मियों ने FIR दर्ज करने से मना किया, उनकी जांच करें और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें, साथ ही इस तरह की घटनाएं पुनर्वारित रोकने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। मामले में SP ममता गुप्ता ने बालघाट थाने से SI प्रेम सिंह और हेड कांस्टेबल शिवलाल को लाइन हाजिर किया। इस दौरान करौली नगर परिषद के पूर्व संपत्ति राजा राम गुजर, हिंडोन के पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव तथा कई भाजपा पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष का स्वागत किया।